गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियो आते हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम BA फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक चल रही है, इसमें हम पिछला जो हमारा परिवेश वीडियो था कल का, उसमें हम सरकार के अंग व्यवस्थापिका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के बारे में हम सरकार के अंगों की थोड़ी चर्चा की थी, उसके बाद में व्यवस्थापिका इसकी चर्चा हमने की थी। आज हम व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर है, व्यवस्थापिका के कार्य है, तो व्यवस्थापिका के जो कार्य है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका है वो विधानमंडल या संसद होती है। कानून निर्माण संबंधी कार्य किसके होते हैं? व्यवस्थापिका के होते हैं। संविधान में संशोधन का कार्य किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है। विमर्शात्मक आपस में विचार विमर्श, हमने कल पढ़ा था जो पार्लियामेंटम शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? विचार विमर्श करना। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण भी किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है। और प्रशासन पर नियंत्रण, ये तो चाहे संसदात्मक शासन हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन हो, ये काम तो क्या होते हैं? सभी जगह होते हैं। उसके बाद में हम संसदात्मक शासन में है वो क्या क्या कार्य होते हैं अलग से, अध्यक्षात्मक में कौन कौन से होते हैं वो कर लेंगे। तो सबसे पहले है कानून निर्माण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका है। कानून व्यवस्थापिका में जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है? कानून निर्माण संबंधी कार्य है। कौन सा कार्य है? कानून निर्माण संबंधी कार्य है। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है वो कानून का निर्माण करना है। सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख जो कार्य है वो क्या करना है? कानून का निर्माण करना है। अगर पूछ ले कि व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है तो क्या है? कानूनों का निर्माण करना। ये विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। ये विभाग है विधेयक, कोई भी विधेयक जब हम कानून बनने से पहले उसको क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। तो विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं कि विधेयक है वो किस प्रकार से होगा। ये विभाग है वो विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें क्या करता है? स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने जो कानून है उसमें संशोधन भी कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है और उसे क्या कर सकती है? समाप्त करने का कार्य भी कर सकती है। तो पहले उसे जो कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। तो विधेयक का प्रारूप क्या होना चाहिए इसका भी है। अब कानून जो निर्माण संबंधी कार्य है, इसमें कानून निर्माण के अंतर्गत अधिकांश प्रजातांत्रिक देश है वहाँ पर जो कानून निर्माण की जो व्यवस्था है वो क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब तीन प्रकार के जो सिस्टम है उससे वहाँ को गुजरना पड़ता है। तो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश है या प्रजातांत्रिक देश है वहाँ पर कानून निर्माण की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है इसको अपनाया गया है। पहला है प्रथम वाचन, अपने देखा ना अभी कोई विधेयक है तो विधेयक को प्रस्तुत करते हैं कहाँ पर? व्यवस्थापिका में। तो क्या होता है? प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन में विधेयकों का प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुति, विधेयक का प्रारूप तैयार करके और संसद के जितने भी सदस्य हैं उनको क्या दे देते हैं? एक एक प्रति दे देते हैं उनको, ताकि वो पढ़ ले, उनको पता चल जाए, तो प्रारूप होता है। दूसरा वाचन है दूसरे वाचन में क्या होता है? दूसरे वाचन में विधेयकों पर समितियों द्वारा व्यापक समिति बनती है और समितियों के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श होता है। दूसरा जो वाचन होता है उसमें समितियां गठित की जाती है, समितियां उनका अध्ययन करती है और समितियां उसमें क्या करती है? विचार विमर्श करती है। दूसरा वाचन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा वाचन, इसमें सदन द्वारा पारित करना शामिल है। इसमें क्या होता है? पारित कर दिया जाता है, मतदान, इसमें यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखना है दूसरा वाचन है सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि समितियाँ इसकी क्या करती है? जांच करती है। तो हमारे जो कृषि कानून है, वर्तमान समय में भारत में कृषि कानून का विरोध हो रहा है, तो देख लो आप कानून है किस प्रकार से, ये विधेयक है, इसको सबसे पहले प्रथम वाचन सदन में पेश किया गया था, फिर समिति बिठाई गई थी, फिर मतदान हुआ था, इस प्रकार से कृषि एक्ट बने हैं। तो अब देख लो अब सरकार कैसे इसको वापस ले। हाँ, सुधार कर सकती है, पर उसमें देख लो वहाँ पर संसद में हुआ है, ऐसे कोई इलीगल तरीके से नहीं लाया गया उसको, कानूनी तरीके से सही है वो। दूसरा है संविधान संशोधन का कार्य। क्या है? संविधान संशोधन का कार्य। और संविधान संशोधन कार्य में देखो सभी देशों में व्यवस्थापिका है, संविधान में प्राय कर जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर व्यवस्थापिका का काम क्या है? संविधान में संशोधन करना। हमारे देश में भी अगर संविधान में संशोधन करता है तो कौन करती है? संसद ही करती है, व्यवस्थापिका ही करती है।
विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के मतलब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर किया जाता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट में सामान्य बहुमत से, इंग्लैंड में अलग अलग प्रक्रिया है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में सामान्य बहुमत से, तो भारत में है वो जो संविधान में संशोधन है सामान्य बहुमत से। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन हो सकता है, लेकिन अमेरिका भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति है वो सामान्य कानून निर्माण की, सामान्य जो कानून निर्माण है उसकी पद्धति से भिन्न है। भारतीय संविधान में एक तो अपने जो संविधान का अनुच्छेद 3 है उसके तहत होता है, उसमें तो होता है सामान्य बहुमत से, और एक अपने अनुच्छेद 368 जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है उसमें क्या होता है विशेष बहुमत से। उसमें दो तरीके, एक तो विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्य की विधानसभा है उनकी सहमति चाहिए। तो संविधान संशोधन का कार्य भी कौन करती है? व्यवस्थापिका। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन में है वो साधारण बहुमत से होता है, वहाँ का लचीला है, जबकि अमेरिका का भारत का, भारत में तो लचीला और कठोर दोनों को अपनाया गया है, साधारण से भी होता है तो विशेष से भी होता है, जबकि अमेरिका में संविधान संशोधन करना क्या है काफ़ी जटिल कार्य है, कठिन कार्य है, क्योंकि इसलिए ही वहाँ पर आज तक क्या हुई है सात ही अनुच्छेद है वहाँ पर और 29 या 30 संशोधन हुई है। तीसरा है विमर्शात्मक कार्य। विमर्शात्मक कार्य में देखो वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के लिए सामान्यतः जिस शब्द पार्लियामेंट का शब्द प्रयोग किया जाता है वो फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है विचार के लिए सभा, जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंच भाषा का शब्द है जिससे बना है ये, और विचार के लिए सभा। जो पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है ये फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट शब्द से बना है, किससे बना है फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है विचार के लिए सभा। तो विमर्शात्मक सभा अपने को पता है व्यवस्थापिका है या संसद है या किसी भी देश की व्यवस्थापिका है, वहाँ पर क्या होता है आपस में विचार विमर्श होता है, क्या होता है विचार विमर्श होता है। व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण भी कहा जा सकता है, व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण भी, क्योंकि व्यवस्थापिका में जो इसके सदस्य होते हैं इनको ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसे लोकमत का दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि हम हमारे प्रतिनिधियों को कहाँ भेजते हैं व्यवस्थापिका में भेजते हैं, और फिर वो हमारी जो मांग है या जनता के हित के लिए क्या करते हैं कार्य करते हैं। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका है, इसका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण होता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण रख सकती है। हमारे जो अनुच्छेद 266 और 67, 266 में संसद की संचित निधि है और 67 में आकस्मिक निधि है, तो अनुच्छेद 266 में जो संचित निधि है उस पर कौन कंट्रोल रखती है, उस पर संसद ही रखती है। संसद में अगर बहुमत होगा या संसद के जो सदस्य है उनकी स्वीकृति से उनमें से क्या निकलता है पैसा निकलता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि होती है, उस पर किसका अधिकार होता है राष्ट्रपति का होता है। तो ये जो व्यवस्थापिका है वित्त पर भी क्या रखती है, केस पर भी या संपत्ति पर भी, पैसों पर भी क्या रखती है नियंत्रण रखती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं का सिद्धांत है वो वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई है वो कर नहीं, और ये सिद्धांत है वो वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक है। धन किसका है जनता का है, और जो हमारे प्रतिनिधि है व्यवस्थापिका में जो बैठते हैं वो भी प्रतिनिधि किसके है जनता के है। तो बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। वास्तव में जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहित कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाए। अगला है वो प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण कौन रखती है? व्यवस्थापिका रखती है। प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर से भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। सीधे तौर पर व्यवस्थापिका है वो प्रशासन के कार्यों में भाग नहीं लेती है, पर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर ये प्रशासनिक कार्यों को क्या रखती है अपने नियंत्रण में रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है। अब हम संसदीय शासन है, संसदीय शासन में क्या होते हैं तो संसदीय शासन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संसदीय शासन में है
संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय शासन में जो व्यवस्थापिका होती है उसका कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका क्योंकि संसदात्मक शासन में क्या होते हैं, ये जो कार्यपालिका सरकार के लोग हैं वो कहाँ होते हैं? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, वो चाहे किसी भी सदन के हो, इसलिए उनका क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण पर्सन पूरक पर्सन स्थगन प्रस्ताव पर्सन पूछना है किसी प्रकार के वो पूरक पर्सन है स्थगन प्रस्ताव है इस प्रकार से वो कार्यपालिका पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में सरकार कृषि कानून लाई है तो इन्होंने हालांकि ये काम कहाँ संसद में करना चाहिए था परंतु संसद में इनका बहुमत नहीं है इसलिए ये जनादेश से क्या बना रहे हैं? दबाव बन रहे हैं। तो ये नियंत्रण और सरकार इसे दबाव में आती है, सरकार को लगता है कि हमने क्या किया है, गलत काम किया है। निंदा प्रस्ताव है, बजट में कटौती है आदि प्रभावशाली विधियों के द्वारा रखा जा सकता है, रखा जाता है। और अंतिम रूप में व्यवस्थापिका वो अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष कम से कम 50 सदस्य है वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ये अगर अपने यहाँ लोकसभा में होता है क्योंकि लोकसभा की बहुमत से सरकार बनती है तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? पदच्युत हो जाएगी। तो ये क्या रखती है? संसदीय जो शासन होती है उसमें ये कार्यपालिका सरकार पर नियंत्रण रखती है। कौन? व्यवस्थापिका। दूसरा वो है अध्यक्षात्मक शासन में, तो अध्यक्षात्मक शासन में किस प्रकार रखती है? अध्यक्षात्मक शासन पर व्यवस्थापिका किस प्रकार रखती है? तो देखो अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका वहां पर क्या कहते हैं, कांग्रेस प्रशासन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का काम करती है। अमेरिका जैसे भाई सबसे जो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप किस देश में? अमेरिका में। वहाँ पर भी जो व्यवस्थापिका है वो प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य करती है। और कौन कौन से कार्य करती है? राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट जो कि कांग्रेस का उस सदन है की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कोई संधि की है, अमेरिका का राष्ट्रपति अभी तो बराक वो डोनाल्ड ट्रंप है, 20 जनवरी को शपथ कौन लेंगे? जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति होंगे, अभी चुनाव हुए वहाँ पे, जिनको 268 मत है वो सीनेट के वो अपने कांग्रेस के प्राप्त हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अगर कोई संधि करता है या किसी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है तो इसकी स्वीकृति किससे चाहिए? सीनेट से। और अपने मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस। इस प्रकार से भारत में अपन कांग्रेस पार्टी है पर वहाँ की जो व्यवस्थापिका है विधानमंडल है या संसद है उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अपने यहाँ पे संसद कहते हैं। और वहाँ पर जिस प्रकार से भारत में भी संसद में दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उस प्रकार वहाँ पर एक तो है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सीनेट है वो अपने जो राज्यसभा है ना उसके समान उस सदन है, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है? अपने जो लोकसभा है उसकी तरह वो लोक सदन है, इस बात का ध्यान रखना। तो वहां पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप है, 20 जनवरी से जो बाइडेन बनेंगे, तो कोई भी संधि करते हैं किसी भी देश से, अगर किसी को अपॉइंटमेंट नियुक्ति देते हैं तो उसकी सीनेट से क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर सीनेट में अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य है, कितने राज्य है? 50 राज्य है, और प्रत्येक राज्य से सीनेट के दो सदस्य होते हैं तो 100 है, तो उनकी पुष्टि करवाना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? उसको मान्यता नहीं मिल पाएगी। सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। सीनेट है वो जांच समितियों के माध्यम से, ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है इनके माध्यम से विभिन्न कार्यों की जांच समिति सीनेट है वो इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है इन्वेस्टिगेशन, तो उनके माध्यम से प्रशासनिक जो कार्य उसकी क्या कर सकती है? जाँच कर सकती है, जाँच करवा सकती है। ये अधिकार है उनके पास। इसीलिए तो अमेरिका की जो सीनेट है यह उस सदन है अमेरिका का, और इसको विश्व का सबसे अगर ताकतवर किसी देश का उस सदन है तो किसका है? अमेरिका का है, इस बात का ध्यान रखना। तो सीनेट के द्वारा जांच समितियों इन्वेस्टिगेशन कमेटीज की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। और इन समितियों का महत्व है इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल कहा जाता है, और अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। अमेरिकी जो व्यवस्थापिका है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, वो युद्ध और शांति की क्या करती है? घोषणा करती है। युद्ध और शांति की घोषणा करने का काम किसका है? वहाँ की संसद, और संसद को क्या करते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन से संबंधित जो संसदीय शासन में किस प्रकार के कार्य होते हैं, अध्यक्षात्मक में किस प्रकार के कार्य होते हैं, आपके समझ में आया होगा। हमने इस क्लास में सरकार के अंग व्यवस्थापिका ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के जो कार्य है उनका अध्ययन किया।
और ये इस प्रकार से ये जब किसी भी देश के हो इसमें ये होते ही है, और अध्यक्षात्मक और संसदात्मक में ये प्रशासन नियंत्रण का अलग अलग कार्य होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और इससे भी अगर अच्छी तरह से आपको हमारी जो बुक है सरकार के अंग व्यवस्थापिका के कार्य, इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है, और धीरे धीरे आराम से दो तीन बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहो। जय हिंद, जय भारत।